आज मिथिलेश यादव, आज हम क्लास 9th इंग्लिश मीडियम साइंस में हम लोग फिजिक्स पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो आपका यूनिट नंबर 8 है और उसका नाम है मोशन। मोशन क्या होता है इसी के बारे में पहला हमारा टॉपिक भी होगा, यही मोशन क्या होता है। तो मोशन, व्हाट इज मोशन? मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड एज मोशन। अगर आपको मोशन समझना है तो मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट का एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन चला जाना विद द रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्जर्वर इज कॉल्ड मोशन। ओके, आपने समझा कि मोशन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि यह होता है मोशन। जैसे अगर प्रोसेस को समझने का आप प्रयास करें तो देखिएगा आप, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे थे पहले, यहाँ पर राम था, आपका पोजीशन ये था, आफ्टर सम टाइम यहाँ से आप कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, ए पर थे और बी पर पहुँच गए। तो इसकी ये आपका ऑब्जर्वर है, इसके रिस्पेक्ट में आपने क्या किया, अपने पोजीशन को चेंज कर दिया। तो इसका मतलब आपने क्या किया, इसका मतलब आपने मोशन किया, ठीक है। तो ये होता है मोशन। मोशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड मोशन। अब बात करते हैं मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन क्या होता है। मतलब अगर कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन चलेगी तो कैसा मोशन करेगी? तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन की एलांग क्या करेगा, मोशन करेगा, तो उसका मोशन क्या कहलाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे मोशन ऑफ अ कार ऑन द हाईवे, जो आपका हाईवे पर कार का जो मोशन हो तो कैसा होता है, रेक्टिलिनियर मोशन होता है। तो थोड़ा सा टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करते हुए बात करता हूँ, इसमें थोड़ा सा वैक्टर क्वान्टिटी के बारे में बात कर लेता हूँ यहीं पर, कि वैक्टर क्वान्टिटीज क्या होती हैं। तो वैक्टर इज अ क्वान्टिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी जिनके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और क्या हो, डायरेक्शन भी हो, क्या कहलाती है वो, वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट एटीसी, तो ये होते हैं हमारे क्या, वेक्टर क्वांटिटी, जिनमें दोनों डायरेक्शन और डायरेक्शन भी चाहिए और आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए। बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की। तो स्केलर इज ए क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। इसमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मास है, टाइम है, डिस्टेंस है, टेम्परेचर इटीसी। ओके, अब बात करते हैं यहीं पर डिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाई ए मूविंग एन ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब जैसे मान लीजिए क्या हुआ, सपोज करिए आप यहाँ पे थे, आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए ना, तो आपके द्वारा ट्रेवल्ड ये क्या है, डिस्टेंस है। इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता है, देर इज नो मीनिंग ऑफ डायरेक्शन इन द केस ऑफ डिस्टेंस। द टोटल लेंथ ऑफ द पार्टिकल ट्रेवल्ड इन द गिवन टाइम, वही क्या होता है आपका, डिस्टेंस होता है। लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाई ए मूविंग एन ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड मोशन। और यह एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। स्केलर होता है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं यहीं पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से चले, ए से चले और बी पर पहुँचे, ए से चल के अगर आप बी पर पहुँचे, सपोज दिस डिस्टेंस इज 10 मीटर, ए से चले बी पर पहुँचे, फिर बी से चले ए पर पहुँचे। अब मैं पूछूँ आपसे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो आप बोलोगे 10 गया और 10 आया।
तो मैंने 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो 10 गए और 10 आ भी गए, दोनों का डिफरेंस ले लो तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? 0 मीटर। फाइनल पोजीशन है आपका, यहाँ से गए फिर यहीं आ गए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ यहाँ पे? 0 होगा। तो ऐसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल और फाइनल पोजीशन का क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ द टाइम इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट कवर करता है इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, थोड़ा समझिएगा इसको, मैं समझाने का प्रयास करूँगा आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, यहाँ मान लीजिए सी है, यहाँ मान लीजिए डी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ से ए से बी पहुँचने में 1 मिनट, बी से सी पहुँचने में 1 मिनट, फिर सी से डी पहुँचने में 1 मिनट। लेकिन यह डिस्टेंस मान लीजिए 20 मीटर, यह मान लीजिए 30 मीटर, यह मान लीजिए 30 मीटर, यह वाला 20, यह वाला 30 और यह वाला 30। टाइम देखिए सेम है लेकिन डिस्टेंस चेंज हो जा रहा है, यहाँ 20 है, 30 है, 30। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो पार्टिकल जो मोशन कर रहा है वह कैसा मोशन कर रहा है? वह मोशन कर रहा है हमारा नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन अब अगर यही सब सेम होता, 30-30 होता, 20-20 होता, तब हमारा क्या होता कि जो हमारा पार्टिकल वो कैसा मोशन करता? यूनिफॉर्म मोशन करता। अगर इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पार्टिकल तो यूनिफॉर्म होगा, नहीं तो अगर डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में तो उस पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। ओके, कल आगे हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। यहाँ तक आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।